देश में कोरोना का कहर जारी है। मरीजों का आंकड़ा 7,450 के पार जा चुका है, जबकि मरने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़कर 239 हो चुकी है। बिहार में भी हालात गुजरते वक्त के साथ तेजी से खराब होते जा रहे हैं। सूबे में कोरोना मरीजों की संख्या 61 तक जा पहुंची है। हालात की गंभीरता को देखते हुए देश में लॉकडाउन की मियाद को बढ़ाया जाना अब तय माना जा रहा है। देश इस वक्त दो चुनौतियों का एक साथ सामना कर रहा है। RLSP के नेता अभिषेक झा का कहना है कि एक तरफ कोरोना की शक्ल में महामारी है, तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से भुखमरी के हालात। बिहार समेत देश के तमाम इलाकों में इस वक्त लोगों के सामने खाने पीने की काफ़ी किल्लत है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि भुखमरी की समस्या को देखते हुए अनाज के निर्यात पर पाबंदी लगाए, ताकि हमारी जनता के भूखे पेट को भरा जा सके। मौजूदा समस्या को देखते हुए अभिषेक झा ने सरकार से क्या कुछ मांग की है, जरा आप भी सुनिए। इन सब के बीच एक और बात की जानकारी मिल रही है जो काफी चिंताजनक है। हम जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की जो धरती है काफी उपजाऊ भी है। भारत के पास शायद दवा का अभाव नहीं था, इसलिए अमेरिका के मांगने पर हमने उनकी मदद की और करनी भी चाहिए। ब्राजील की भी हमने मदद की थी, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि भारत की तरफ से अनाज पर निर्यात किया जाएगा अन्य देशों में, उनकी मदद की जाएगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत में जनसंख्या इतनी ज्यादा है, इस विषम परिस्थिति में हम सब लोग इस अनाज के अभाव से जूझ रहे हैं और जूझने वाले हैं, तो जब तक यहाँ के लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में सब कुछ उपलब्ध न हो, तब तक कतई ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए कि हम किसी और देश में इसका निर्यात करेंगे। इससे भारत का और भारत के नागरिकों का बहुत नुकसान हो सकता है। हम अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य की बात करें, बिहार में भी जो मामले हैं कोरोना के बढ़कर 61 हो गए हैं। सिवान कहीं ना कहीं कोरोना का एक हब बनता जा रहा है, प्रशासन ने उसको सील कर दिया है। हम पुनः सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि कृपया इस बात को समझिए कि मानवता के दुश्मन इस बीमारी को हराने के लिए हम सभी लोगों को अपने घर पर रहना अति आवश्यक है, ताकि हम अपने और अपने परिवार की जान की रक्षा कर पाए।